रूस यूक्रेन जंग में राष्ट्रपति पुतिन के तेवर अब ये साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि वो अब रुकने वाले नहीं हैं और जीत के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ दो साल से रूसी हमलों को जवाब देने वाली यूक्रेनी सेना अब ऐसा कदम उठाने जा रही है जिससे न सिर्फ वर्ल्ड वॉर का खतरा शुरू हो गया है बल्कि परमाणु हमले का भी बटन कभी भी दब सकता है। रूस को घेरने की कवायद में पश्चिमी देश अब तक किसी न किसी रूप में यूक्रेन को आगे करते जा रहे थे। वो लगातार हथियार सप्लाई कर रहे थे लेकिन अब एक नई रणनीति ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को आग बबूला कर दिया है। दरअसल अब नीदरलैंड की तरफ से बयान आया है, अगर यूक्रेनी सेना उसके दिए गए F-16 विमानों का इस्तेमाल रूस के भीतर टारगेट हिट करने के लिए करता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। यूक्रेनी मीडिया के हवाले से आई रिपोर्ट के मुताबिक डच विदेश मंत्री हैंके ब्रुइंस ने कहा है, अगर यूक्रेन अपने बचाव में रूस पर हमला करने के लिए F-16 लड़ाकू विमानों का उपयोग करता है तो नीदरलैंड को इस पर आपत्ति नहीं करेगा। आपके पास आत्मरक्षा का अधिकार है तो हथियारों के उपयोग के लिए कोई सीमा नहीं है। नीदरलैंड से पहले ठीक ऐसा ही बयान डेनमार्क ने भी दिया था। डेनमार्क ने भी ये कहा था कि यूक्रेन उसके दिए गए F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल रूस के भीतर बम गिराने के लिए कर सकता है। इससे पहले जर्मनी और फ्रांस भी ये साफ कर चुके हैं कि अब समय आ गया है कि रूस के भीतर उन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया जाए जहां से यूक्रेन पर हमला किया जा रहा है। अब तक पश्चिमी देशों ने अपने हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन के अंदर मौजूद सैन्य ठिकानों तक ही सीमित रखा था लेकिन अब जिस तरह से यूक्रेन को खुली छूट देने का ऐलान किया जा रहा है वो जंग की रुख भयावह तरफ मोड़ने का इशारा कर रहा है। साफ है कि यूरोप के इन छोटे देशों की बड़ी धमकी ने पुतिन का पारा हाई करने का काम किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने पलटवार करते हुए यूरोपीय देशों को साफ धमकी दे दी है कि वो अपनी हद में रहें और ये न भूलें कि वो घनी आबादी वाले छोटे देश हैं। पुतिन की इस धमकी से ये साफ है कि अगर रूस पर पश्चिमी देशों और नेटो ने हमला करने की गुस्ताखी की तो परमाणु हथियार के इस्तेमाल से रूस गुरेज नहीं करेगा और रेडियो विकिरण की जद में सबसे पहले यूरोप के वो घनी आबादी वाले छोटे देश आएंगे जो कि ऐलान कर रहे हैं कि यूक्रेन को F-16 इस्तेमाल रूस के भीतर हमला करने के लिए करना चाहिए। पुतिन ने जो कहा वो मामूली धमकी नहीं है। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों को ऐसी बचकानी हरकत करने पर गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। जो छोटे यूरोपीय देश हैं उन्हें इस बात की समझ होनी चाहिए कि यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने के लिए हथियारों की मदद करके वो अपना क्या कुछ दाव पर लगा रहे हैं। उन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनके देश छोटे और घनी आबादी वाले हैं। अगर वो रूसी क्षेत्र में हमला करने की बात कर रहे हैं तो पहले सोच लें। रूस यूक्रेन युद्ध 2 साल से ज्यादा समय से रूस में अब तक यूक्रेन के क्षेत्र के लगभग 5वें हिस्से पर कब्जा कर लिया है जिसमें क्रीमिया, डोनेट्स, लुहानसक, ज़ापोरेजिया और खेरसान शामिल है। इस दौरान ऐसी कई रिपोर्ट आई जिसमें दावा किया गया कि यूक्रेन जल्द ही रूस के आगे घुटने टेक देगा लेकिन एक यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट ने यह साफ किया है कि जंग अभी और भयंकर होने वाली है। साफ है कि रूस नेटो की एंट्री या फिर रूस के भीतर अमेरिकी फाइटर जेट F-16 की एंट्री पर परमाणु बटन दबाने की तैयारी कर चुका है जो कि समूची दुनिया के लिए बहुत ही गंभीर बात होगी। अब तक नेटो और अमेरिकी सेना की मदद के बावजूद यूक्रेन सिर्फ अपने सैनिक और जमीन गंवाने का ही काम कर रहा है। ऐसे में यूक्रेन पश्चिमी देशों के बहलावे में आकर अगर रूस के भीतर F-16 विमान से हमला करता है तो उस वजह से जाहिर तौर पर वर्ल्ड वॉर का बिगुल बज जाएगा। उसके बाद फिर एक एक कर वो सारे देश रूसी हमले का शिकार होंगे जो कि सीधे या फिर यूक्रेन की मदद के लिए जिम्मेदार होंगे।